TNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkar Bazaar, Solan 98160-78655। सोलन जिला में लोगों का कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि बात पिछले एक सप्ताह की जाए तो सोलन जिला में 13,247 लोगों ने कोरोना वैक्सीन सोलन जिला में स्थापित विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटरों में लगाई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुख्तार रस्तोगी ने कहा कि मंगलवार को भी सोलन जिला में 2521 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के अंदर सोलन जिला में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और लोगों का वैक्सीन लगाने के लिए रुझान भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 13,247 लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन करवाया है। सोलन जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर सोलन जिला में कोरोना से करीब 67 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को भी जिला में 7 लोगों की मौत हुई। अहम बात यह है कि इनमें से 4 लोग कसौली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुख्तार रस्तोगी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी दी कि इसके अलावा कंडाघाट, सिरमौर व सोलन के लोगों की भी कोरोना से मौत हुई है, जिनका सोलन जिला के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था और ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव थे। हिमाचल प्रदेश सहित देश में कोरोना के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे व्यापार को देखते हुए अखिल भारतीय व्यापार मंडल की एक बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की गई, जिसमें 7 राज्यों के अध्यक्षों ने भाग लिया। इसमें सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी भी वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय व्यापार मंडल के साथ जुड़े। बैठक में हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर व दिल्ली के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। यह जानकारी व्यापार मंडल सोलन के अध्यक्ष कुशल जेठी ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान व्यापारियों ने एक दूसरे को अपने अपने राज्यों की जहां स्थिति से अवगत करवाया, वहीं उन्होंने आगामी रणनीति भी बनाई।